द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग सजाम। इस मूवी की शुरुआत में हमें मिस्टर शिवाना को अपने दोनों बेटों के साथ में दिखाया जाता है और ये वक्त होता है 1974 का न्यूयॉर्क में। मिस्टर शिवाना के बड़े बेटे का नाम होता है सिड और छोटे बेटे का नाम होता है थैड। तभी थैड का बड़ा भाई सिड उससे उसका खिलौना छीन लेता है तो उसके डैड उससे कहते हैं कि थैड तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा ही तुम्हें इन मुश्किलों का सामना करना होगा। अगर तुम हमेशा इसी तरीके से रोते रहोगे तो तुम कभी भी एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। तभी अचानक से ही थैड के खिलौने में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती हैं, साथ ही उसकी गाड़ी से उसके डैड और ब्रदर भी गायब हो जाते हैं और एक अजीब सी ट्रैवलिंग के बाद में उसकी गाड़ी किसी अजीब सी जगह पे रुक जाती है तो थैड तुरंत ही उससे निकल के अंदर की तरफ जाने लगता है और वो कहता भी है कि क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन वहाँ पे उसको कोई भी नजर नहीं आता। एक बूढ़ा आदमी उसको आवाज लगा के उससे कहता है कि तुम वो थैडियस सिवाना और मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है एक सूरमा चुनने के लिए ताकि तुम सेवन डेडली सिन से इस दुनिया की रक्षा कर सको, लेकिन इससे पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। और तभी वहाँ पर जो सेवन डेडली सेंस होते हैं वो उसको बहकाने लगते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुम उस जादूगर की बात मत सुनो, तुम हमारे पास में आ जाओ, हम तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा ताकत देंगे, तुम केवल हमारी जादुई आंख को ले लो। तो थैड उनके बहकावे में आकर उसी की तरफ जाने लगता है जिससे कि जादूगर उससे कहता है कि तुम्हारे मन में कपट है इसीलिए मैं तुम्हें सूरमा नहीं चुन सकता और फिर वो उसको यहाँ से वापस भेज देता है। लेकिन थैड के मन में अभी भी वही सारी बातें चल रही होती है जिससे कि उसका बड़ा भाई उसको शांत करता है, लेकिन वहाँ पर गलती की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मिस्टर शिवाना को काफी गंभीर चोटें आ जाती हैं और इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार थैड को ठहरा दिया जाता है। लेकिन अभी भी वो शैतान थैड को मैसेज भेज रहे होते हैं कि हमें ढूंढ लो और हमारी पावर्स के हकदार बन जाओ, जिससे कि अब वो जादूगर नया वारिस चुनने के लिए अपने पावर्स को भेज देता है। इसके बाद अब हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है बिली बैटसन, जो की एक छोटी सी शॉप के पास में खड़ा हुआ था। लेकिन तभी वो वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और वो उनसे कहता है की शॉप के अंदर एक चोर घुसा हुआ है, आप उसको जाके कर लो। लेकिन वो पुलिस वाले जैसे ही अंदर जाते हैं बिली तुरंत ही उनकी कार में जाकर वहाँ से कुछ डेटा चोरी करने लगता है, जिसके बाद फिर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और एक बैटसन परिवार के घर के सामने पहुँच जाता है। अभी उसको वो पल भी याद आता है जब वो बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया था, इसीलिए वो अपने रियल फैमिली को ढूंढते फिर रहा है। और जैसे इस घर के ओनर बाहर आते हैं वो तो उसकी माँ होते ही नहीं, जिसके बाद फिर वो वापस से उसी ऑर्फनेज में चला जाता है जहाँ पर वो बचपन से ही रहते आया है, जहाँ की प्रिंसिपल बिली से कहते हैं कि एक फैमिली तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम इसी तरीके से भटकते रहो, इसीलिए तुम्हें उनके साथ में जाना ही होगा। जिसके बाद फिर बिली को यहाँ से रोजी और विक्टर के साथ में रवाना कर दिया जाता है और फिर जैसे ही बिली यहाँ से रोजी और विक्टर के साथ में उनके घर पे पहुँच जाता है तो उसको वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो की गेम खेल रहा था और उसका नाम होता है यूजीन। तभी वहाँ पर बिली के पास में एक छोटी सी बच्ची भी आ जाती है जिसका नाम होता है डार्ला और वो बिली से कहती है कि चलो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। साथ ही उसने अपने नए भाई के लिए एक पेंटिंग भी बनाई थी जिसके ऊपर पेड्रो ने अपने डंबल्स को रख दिया था। अभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मैरी और वो एक कॉलेज में बात कर रही होती है ताकि उसका एडमिशन हो जाए और वो वहाँ के प्रिंसिपल से कहती है मैं एक अनाथ हूँ और मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेती हूँ, इसीलिए मैरी को भी उसके कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जिसके बाद फिर रोजी बिल्ली को यहाँ से उसके कमरे की तरफ ले जाती है जहाँ पर हमें एक सुपर हीरो फैन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्रेडी फ्रीमैन। वो बिल्ली को सुपर हीरो की काफी सारी बातें सुनाता है, साथ में वो ये भी कहता है कि उसके पास में बैटमैन का नकली बैटर रहेंगे, साथ ही सुपरमैन की बॉडी से चपटी हो जाने वाली बुलेट भी उसके पास में है। इसके बाद फिर विक्टर सभी बच्चों को डिनर के लिए बुला लेते हैं और फिर अगले दिन ही वो सभी लोग अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये स्कूल बिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, साथ में उसको डाला का बर्ताव भी पसंद नहीं आता। वो उससे कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम हर वक्त पप्पियां चप्पियां पाते रहो। इसके बाद अब हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर किसी से बात कर रही होती है क्योंकि उसे भी उस जादूगर ने मसीहा बनने के लिए बुलाया था और इसी वजह से इन सारी चीजों के बारे में थैड सिवाना रिसर्च करा रहा होता है। और वो लड़की उस डॉक्टर से कहती है कि जब उसके साथ में वो हादसा हुआ था तो उसके सामने काफी सारे सिंबल्स भी आए थे जिनके बारे में डॉक्टर शिवाना तुरंत ही उसे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन से सिंबल्स थे। तो वो लड़की उसको रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखा देती है जिसके अंदर वो सिंबल्स बने हुए थे और इस चीज से शिवाना के मन में एक आइडिया आ जाता है। वो लेडी डॉक्टर शिवाना से कहती है कि तुम कभी भी मेरे काम में इस तरीके से बीच में मत आया करो। तो शिवाना तुरंत ही यहाँ से एक रूम की तरफ चला जाता है जिसके अंदर उसने सजाम वाला पूरा सेटअप किया हुआ था और फिर वो वहाँ पर रखे हुए गेट के ऊपर उन सभी सिंबल्स को बना देता है। लेकिन वो लेडी डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें क्यों यकीन है कि ये सारी की सारी चीजें सच है, और वो जैसे ही उस दरवाजे के ऊपर हाथ रखती है वो वहीं पर राख हो जाती है। जिसके बाद फिर शिवाना तुरंत ही उस दरवाजे की मदद से अंदर चला जाता है जहाँ पर बैठा हुआ था बूढ़ा सजाम और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम वही लड़के हो जिसकी नियत में खोट है और तुम मेरी पावर्स के लायक नहीं हो,
बॉल। लेकिन अब उससे पहले ही शिवाना सेवन डेडली सिंस की बॉल को उठा लेता है, जिससे कि उन सभी के पावर्स एक्टिवेट हो जाती है जिनको ओल्ड शज़ाम रोक नहीं सकता था। और वो सेवन डेडली सिंस की पावर्स वाली बॉल सीधे डॉक्टर शिवाना की आंख में चली जाती है, जिससे कि वो भी एक सुपर विलन बन चुका था, यहाँ तक कि शज़ाम भी उसको नहीं रोक पाता। इसके बाद अब हमें बिली और फ्रेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में होते हैं। और फ्रेडी यहाँ पे बिली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम घर को छोड़कर जाना चाहते हो, इसीलिए तुमने मेरी वो सुपरमैन वाली बुलेट भी चुराई है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम आखिर किस तरीके के लड़के हो, तुम अभी किसी पर भी भरोसा नहीं करते। तो बिली उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी कोई गोली नहीं चुराई है। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी तो बदमाश लड़के फ्रेडी को गाड़ी मार देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग अपनी गलती के लिए फ्रेडी को ही मारने लगते हैं। पहले तो बिली यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग जैसे ही उसकी फैमिली को बुरा भला कहते हैं तो बिली उन लोगों को यहाँ पर मारता है और खुद भागने लगता है। वो दोनों भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और बिली भागते हुए एक ट्रेन के अंदर चला जाता है, जिससे कि वो दोनों ही लड़के उसे पकड़ नहीं पाते। और जैसे ही ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ती है, बिली को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ में वही हादसा हो रहा था जो कि सभी के साथ होता है। और उसकी ट्रेन सीधी रुकती है जादूगरों की गुफा के पास में। तो फिर बिली डरते हुए उसके अंदर चला जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि आखिर ये हुआ कैसे। ओल्ड शज़ाम उससे कहता है कि बिली वैटसन, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पावर्स देना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि आज से हजारों सालों पहले उन लोगों ने एक सूरमा को चुना था, लेकिन उसने अपने बदले की आग में सब कुछ खत्म कर दिया, इसीलिए अब वो लोग एक साफ दिल वाले इंसान को ही चुनना चाहते हैं। बिली को पहले तो ये सब कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन वो जादूगर उससे जैसे ही कहता है कि इस छड़ी को पकड़ो और मेरा नाम बुलाओ शज़ाम। फिर बिली उस छड़ी को पकड़ के शज़ाम जैसे ही बुलाता है, वहाँ पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में उसकी पूरी बॉडी ही चेंज हो जाती है। साथ ही साथ उसके पास में कई सारे गॉड्स की भी पावर आ गई थी। और वो जादूगर उससे कहता है मुसीबत के वक्त में दिमाग का यूज करना, तभी तुम अपनी पावर्स को बढ़ा पाओगे। इसके बाद फिर वो खुद ही यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन बिली इस चीज से काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही उसी ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको सभी लोग काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं क्योंकि उसने एक सूट पहना हुआ था। इसके बाद अब हमें बिली के फैमिली वालों को दिखाया जाता है जो कि उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी पेड्रो को बिली की रखी हुई डायरी मिल जाती है। फ्रेडी दूसरी तरफ किचन में होता है, इसके पास में शज़ाम वाला बिली आकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे चिल्लाता है तो विक्टर उसके पास में आ जाता है, लेकिन फिर फ्रेडी यहाँ से बहाना बनाकर तुरंत ही बिली के पास में पहुंच जाता है। लेकिन उसको भी यकीन नहीं होता कि ये बिली बड़ा कैसे हो गया। फिर बिली उसको बुलेट दिखाता है जो कि उसने उसकी चुराई थी, और इस चीज से फ्रेडी को यकीन हो जाता है कि ये उसका बिली ही है। इसके बाद फिर वो उसके सीने पर लगे हुए थंडरबोल्ट को चेक करता है और फिर वो उससे कहता है आखिर तुम्हारी सुपर पावर्स क्या है। लेकिन बिली उससे कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फ्रेडी यहाँ पर उसकी पावर्स को चेक करने लगता है। वो सबसे पहले उससे कहता है कि क्या तुम उड़ सकते हो। तो फिर बिली यहाँ पर जैसे ही ट्राई करता है वो सीधा नीचे गिर जाता है क्योंकि अभी उसको अपने पावर्स को यूज करना नहीं आता। और फिर वो यहाँ पे इनविजिबल होने को ट्राई करता है, लेकिन इसमें भी वो फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बिली की नई पावर निकल के आती है, वो उंगलियों में से बिजली को निकाल सकता है, और उसी बिजली के साथ में वो दोनों ही एक जगह पे मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो बिली अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ में उसके पास में पहुंच जाता है। लेकिन उस लेडी ने तो पहले ही खुद को चोर से बचा लिया था, और वो जैसे ही यहाँ पे बिली के पावर्स को देखती है वो उससे डर जाती है, और वो फ्रेडी और बिली को पैसे देकर यहाँ से चली जाती है। और ऐसा फायदा देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इसके बाद फिर वो दोनों ही तुरंत ही एक शॉप में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शॉप को लूटने के लिए कुछ चोर आ जाते हैं। तो फिर बिली तुरंत ही यहाँ पे सुपर हीरो वन के उनके सामने पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर गोली चला देते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि शज़ाम की बॉडी तो बुलेट प्रूफ भी है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर गोली मारने से भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद फिर वो उन दोनों ही चोरों को फोड़ देता है, जैसे कि उन लोगों को पहले थोड़ी सी चीजें मिलने वाली थी, लेकिन अब वो लोग काफी सारी चीजें लेकर बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेडी उससे कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारी सुपर पावर्स का हमें कुछ तो फायदा हुआ। और फिर जैसे ही यहाँ पे पुलिस आती है वो दोनों तुरंत ही निकल जाते हैं। जब वो दोनों ही एक जगह पे बैठे हुए थे तो फ्रेडी बिली से कहता है कि तुम मुझे इस तरीके के काफी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो तुम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। और फिर वो कहता है कि हम लोगों को अभी यहाँ से घर पर जाना चाहिए। वैसे तो सुपर हीरोज अपने सीक्रेट अड्डे पर जाते हैं, लेकिन अभी तो हमें घर पर ही जाना होगा। तो फिर वो दोनों ही छिपते छिपाते घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन शज़ाम की बॉडी की वजह से रोजा को आवाज आ जाती है। तो फ्रेडी उससे कह देता है कि बिली वापस आ गया। तो फिर रोजा तुरंत ही उसको देखने के लिए चली आती है। बिली तुरंत ही अपने कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर डाला भी होती है। बिली कहता है कि मैंने जैसे ही शज़ाम बोला मैं ऐसा हो गया, और दोबारा शज़ाम बोलने से वो एकदम ठीक हो जाता है। बिली डाला से कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी तो फिर तुम मेरी अच्छी बहन बन जाओगी। इसके बाद अब हमें अगले दिन डॉक्टर शिवाना को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड की मीटिंग में पहुंच जाता है। और फिर वो मिस्टर शिवाना से कहता है कि मैंने आपसे उस दिन कहा था कि मैंने उस वक्त किसी चीज को देखा था, इसीलिए आज मैं आपके सामने सबूत लेकर आ गया हूँ। तो सेठ उससे गुस्से के साथ में कहता है कि तुम
में यहाँ पर तमाशा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले ही थैड उसको यहीं से नीचे फेंक देता है। साथ ही वह अपने 7 डेडली सिंस को भी बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर जितने भी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो उन सभी को खत्म करा देता है। उनमें से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचता। उसके बाद फिर थैड अपने डैड से कहता है कि आपको इस तरीके से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपके अंदर तो लालच वाला पाप है और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन तभी वो 7 डेडली सिंस कहते हैं कि जादूगर को उसका वारिस मिल चुका है। उससे पहले कि वो अपने पावर्स को यूज करना सीखे हमें उसको खत्म करना ही होगा। तो थैड कहता है कि हम उसे जल्दी खत्म कर देंगे और ग्रेट डेडली सिंस यहाँ पर उसके डैड को खा जाता है। इसके बाद वो थैड यहाँ से शज़ाम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर हमें बिली के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिली सबसे पहले बर्क और ब्रैड की गाड़ी की दशा बिगाड़ देता है। इसके बाद फिर वो दोनों यहाँ से चालाकी के साथ में निकल जाते हैं, क्योंकि फ्रेडी बिली के पावर्स को चेक करना चाहता था। साथ में वो इन सारी की सारी चीजों की वीडियो भी बनाते जाता है। इस शज़ाम के पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो अभी उड़ नहीं सकता। साथ ही वो अपने हाथों से बिजली को भी निकाल सकता है, लेकिन अभी उसके पास में कहीं पर भी टेलीपोर्ट होने की पावर नहीं है। और वो ये सारी की सारी वीडियो बनाकर मेरी तरह यूट्यूब पे डाल देता है और बहुत ही जल्द उसकी वीडियोज में काफी ज्यादा ग्रोथ बढ़ जाती है। अब वो दोनों ही नए नए आइडिया सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या क्या ट्राई करना चाहिए। बिली अपने पावर्स से किसी का भी फोन चार्ज कर सकता है और वो एक डायलॉग भी सोच रहा होता है कि उसको अपनी पावर्स को यूज करते हुए क्या डायलॉग बोलना चाहिए। वो अपनी पावर्स की मदद से किसी भी मशीन को हैक कर सकता है। साथ ही वो यहाँ के जेंटलमैन क्लब में भी जाता है। वो एक बार एक एटीएम को तो खराब कर देता है और गेमिंग में भी उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद अब वो दोनों ही अपने लिए कॉफी अड्डा ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अभी तो उन्हें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलती। और जब वो दोनों ही अपने स्कूल में होते हैं तो शज़ाम हर जगह पे पॉपुलर हो चुका है। फ्रेडी सभी लोगों से कहता है कि जो भी ये वीडियो बनाता होगा वो भी काफी ज्यादा बहादुर होगा। और तभी वहाँ पर उसका दोबारा से बर्क के साथ में झगड़ा हो जाता है। तो फ्रेडी उससे कहता है कि अभी जो नया सुपर हीरो आया है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो बर्क उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम उसको कल लंच में बुला लेना और हो सके तो तुम सुपरमैन को भी बुला के दिखाना। बिली उसको रोके जा रहा था, लेकिन फ्रेडी उसकी कोई भी बात नहीं मानता। बिली उससे कहता है कि तुम तो वैसे शो ऑफ करने लगे हो जैसे कि ये सारी पावर्स तुम्हारी ही हो। इसके बाद अब हमें रात को उनके डिनर का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग नए सुपर हीरो के बारे में बात करने लगते हैं। तो यूजिन सभी लोगों से कहता है कि उसने तो केवल अभी लोगों के फोन ही चार्ज किए हैं, वो तो मैं भी कर सकता हूँ चार्जिंग पे लगा के। पेड्रो कहता है कि मुझे तो उसका कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आया। और फिर फ्रेडी यहाँ पर उसके सुपर पावर्स के बारे में बातें करने लगता है। शायद उस सुपर हीरो को अपने पावर्स पर घमंड हो गया है, जिस वजह से नाराज होकर बिली बिना खाना खाए ही चला जाता है। और जब अगले दिन सभी लोग स्कूल में पहुंच जाते हैं, बिली यहाँ से वापस जाने के बारे में सोचता है। फ्रेडी उसको रोकने की कोशिश करता है, वो कहता है कि तुम्हें लंच में तो आना ही होगा। इसके बाद अब बिली शज़ाम बन के लोगों के साथ में सेल्फी खींचते रहता है। और जब वो रास्ते पर जाते हुए मैरी को देखता है तो उसका यहाँ पर एक्सीडेंट होने से बचा लेता है, बल्कि वो तो उसके उसके नाम से भी बुलाता है। मैरी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता। मैरी उसको अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वो अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहते। तो बिली उससे कहता है कि कब तक अनाथों के साथ में रहोगी, तुम्हें अपने बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। और फिर अब हमें फ्रेडी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पर शज़ाम के ना पहुँचने की वजह से उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और फिर वो सीधा पहुँच जाता है शज़ाम के पास में, जहाँ पर वो अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहा था। फ्रेडी उससे कहता है कि तुमने लंच में आकर मेरी बहुत ही अच्छी मदद की, क्योंकि बर्क ने अपने भाई के साथ में मिलकर मुझे काफी टॉर्चर किया। तो बिली उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि मैंने उन लोगों से नहीं कहा था। और जब वो दोबारा से अपनी पावर्स का शो ऑफ करने लगता है तो गलती से उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक बस पर हो जाती है, जिससे कि वो बस ब्रिज से आधी लटक जाती है। तो शज़ाम तुरंत ही उसको बचाने के लिए उसके नीचे पहुँच जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि आखिर वो उसको बचाए कैसे, क्योंकि वो बस पूरी तरीके से नीचे गिरने को तैयार थी। और वो बस जैसे ही नीचे गिरती है शज़ाम उसको तुरंत ही कैच कर लेता है और उसको आसानी के साथ में नीचे भी रख देता है। तभी फ्रेडी उसके पास में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी लोगों की जान जाने वाली थी। लेकिन बिली उससे कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेडी उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर्स है मैं उनको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे नॉर्मल समझे, लेकिन कोई भी मुझे नॉर्मल नहीं समझता। तुम्हें इतनी सारी पावर्स मिली, लेकिन तुमने तो इनसे केवल अपने दोस्तों का दिल ही दुखाया है। और फिर वो यहाँ से नाराज होकर चला जाता है। तभी बिली के पीछे से वहाँ पर डॉक्टर शिवाना आ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर जादूगर ने तुम में ऐसा क्या देखा, चाहे कुछ भी हुआ हो लेकिन मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। और बिली यहाँ पर जैसे उसके सामने शो ऑफ करने की कोशिश करता है तो शिवाना तो उसको तुरंत ही यहाँ पे पीट देता है। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पे अपनी फ्लाइंग एबिलिटी को यूज करते हुए बिली को आसमान में ले जाता है और उसको वहीं से फेंक देता है। लेकिन अभी तो बिली को उड़ना नहीं आता था और फिर वो जैसे ही जमीन से टकराने वाला होता है वो अपने आप ही हवा में फ्लोटिंग करने लग जाता है। लेकिन उसके हाईवे पर होने की वजह से कुछ गाड़ियां उसको उड़ा देती है। और जैसे ही वो दोबारा से उठकर आता है शिवाना उसको दोबारा से धोने लग जाता है, जिसके बाद फिर बिली तुरंत ही फ्रेडी के पास में पहुंच जाता है। लेकिन शिवाना दोबारा से आकर उसको पकड़ के ले जाता है, जिससे कि बिली टकराते हुए एक मॉल के अंदर पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। वो सोचने लगता है कि हीरो बनना उसका काम नहीं है, वो यहाँ से भाग जाएगा।
तभी वहाँ पर दोबारा से शिवान आ जाता है और वो उसको मारने लग जाता है। शज़ाम बचने की काफी कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन शिवाना उसको यहाँ पे अपनी लाइटनिंग से वार करता है, जिससे कि शज़ाम वहीं पर नीचे गिर जाता है। और फिर शिवाना दोबारा से उसके पास में आकर उसकी पावर्स को छीनने वाला था कि बिली शज़ाम बोल के अपने असली रूप में आकर यहाँ से छिपकर भाग जाता है। तभी शिवाना को टीवी पर शज़ाम के साथ में एक लड़का दिखाई देता है, जो कि असल में होता है फ्रेडी। इसीलिए वो उससे पकड़ के कहता है कि तुम मुझे शज़ाम यानी कि बिली के पास में ले जाओगे, क्योंकि मैं एक बहुत ही बुरा सुपर विलेन हूँ। इसके बाद बिली बचते बचाते अपने घर पे पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका इंतजार पहले से ही विक्टर और रोजा कर रहे थे। विक्टर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जिसके बाद फिर वो उसको डांटने लग जाते हैं, क्योंकि बिली कभी भी घर से भाग जाता है और वो स्कूल भी नहीं जाता। न्यूज पर मैरी के साथ में सभी बच्चे सुपर हीरो को देखते हैं और वो लोग इस बारे में कहते हैं, फ्रेडी आकर सुपर हीरो को कैसे जानता है। मैरी कहती है कि ये सुपर हीरो मुझे भी जानता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिली ही शज़ाम हो। जिसके बाद फिर वो लोग बिली के कमरे के पास में पहुंच जाते हैं और मैरी उससे कहती है कि हम लोग तुम्हें पहचान गए, तुम ही सुपर हीरो हो। और फिर यूजीन बिली को उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है, वो तो यहाँ से 2 स्टेशन दूर ही रहती है, वो अब अपना बैटसन वाला सरनेम यूज नहीं करते, इसीलिए बिली उनको ढूंढ नहीं पाया। अपनी असली फैमिली के बारे में पता चलते ही वो यहाँ से तुरंत ही फिर से भाग जाता है। तो रोजा और विक्टर दोबारा से उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। डार्ला को लग रहा था कि वो भी साथ में जाएगी, लेकिन उसको कोई भी नहीं ले जाता। तभी उन लोगों के घर की डोरबेल बजती है, जिसमें से वहाँ पे फ्रेडी आ जाता है और उसी के साथ में होता है डॉक्टर शिवाना। और वो कहता है कि तुम्हारा भाई यानी कि बिली जहाँ पर गया हो उसको तुरंत से तुरंत बुला लो। इसके बाद अब हमें बिली को दिखाया जाता है, जो कि उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी मदर रहती है। साथ ही वो उस फ्लैट के पास में भी पहुँच जाता है, जिसकी डोरबेल बजाने पर उसकी मदर ही वहाँ से बाहर निकलती है। तो बिली उनको बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ जो कि सालों पहले बिछड़ गया था, जिस चीज को जानकर वो काफी शॉक हो जाती है। बिली कहता है कि मैं जानता हूँ उस वक्त मैं गलती से छूट गया था। तो फिर उसकी मदर उसे रियलिटी बताती है कि उस वक्त उनकी एज जस्ट 17 ईयर्स थी। साथ ही साथ बिली के डैड से उनका डिवोर्स भी हो गया था, इसलिए जब बिली वहाँ पर गलती से छूट गया और उन्होंने उसको पुलिस के पास देखा, तो ये सोचा कि जितना अच्छा ख्याल वो लोग रख सकते हैं वो कभी भी नहीं रख पाएंगे। और वैसे भी बिली एक अच्छे घर से लग रहा था। बिली कहता है कि हाँ मैं भी इसलिए आया था ताकि मैं आपको अपना हालचाल बता सकूं कि मैं एकदम ठीक हूँ, वैसे भी अब मुझे अपनी असली फैमिली के पास में चले जाना चाहिए। और बिली जैसे ही यहाँ से जाने लगता है, उसको तभी फ्रेडी का कॉल आ जाता है, जिससे कि उसको पता लग जाता है कि शिवाना उसके घर पर है। इसीलिए वो तुरंत उसी बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और शज़ाम में बदल के अपने घर की तरफ निकल जाता है। मैरी यहाँ पर शिवाना से कहती है कि अगर तुम चाहते क्या हो, तभी वहाँ पर शज़ाम यानी कि बिली पहुँच जाता है। शिवाना सबसे पहले बिली को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं इन बच्चों को खत्म कर दूंगा। बिली यहाँ पर चुपचाप उसको अपनी पावर्स देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद फिर शिवाना तुरंत ही यहाँ पर एक दरवाजे को टेलीपोर्टेशन गेट बना देता है और फिर सीधा पहुँच जाता है जादूगरों के अड्डे पर, जहाँ पर वो जादूगर की चड़ी को उठाकर बिली से कहता है कि मैंने केवल इस चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, न ही मेरी फैमिली और न ही जादूगर। तो बिली कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें क्या फील होता होगा। जिसके बाद फिर वो बिली से कहता है कि जल्दी से सुरमा का नाम पुकारो। जिसके बाद फिर शिवाना तुरंत ही यहाँ पर अपने 7 डेडली सिंस को बाहर निकाल देता है और बिली उसको समझाता भी है कि ये केवल तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी वहाँ पर पीछे से फ्रेडी उसको एक बैटरिंग फेंक कर मारता है, जिससे कि 7 डेडली सिंस दोबारा से उसी के अंदर चले जाते हैं। और इतने में मौका पाकर बिली शिवाना को उठाकर फेंक देता है और अपनी फैमिली के साथ में यहाँ से जाने लगता है, लेकिन आगे जाने पर उन लोगों को वो दरवाजा दिखाई नहीं देता, जिससे कि वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। तभी डाला को आगे का रास्ता दिखाई देता है, वो लोग चलते हुए काफी सारे दरवाजों के सामने पहुँच जाते हैं, लेकिन अब शिवाना भी उसी तरफ आने लगा था। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर असली दरवाजा कौन सा होगा। वो लोग जैसे ही एक एक दरवाजे को खोलते हैं, वो तो अलग अलग डायमेंशन में तक जाते थे। बिली कहता है कि अब कोई भी दरवाजे को नहीं खोलेगा। वो कहता है कि जब मैं यहाँ से पिछली बार गया था तो मैंने ट्रेन के बारे में सोचा था, और फिर वो जैसे ही दूसरी जगह के बारे में सोचता है वो सभी यहाँ से गायब हो जाते हैं और वो सीधा निकलता है जेंटलमैन क्लब्स में से। लेकिन शिवाना को भी इस जगह के बारे में पता लगाने में देर नहीं लगती, इसलिए बिली सभी लोगों को बचाने के लिए एक मेले के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसके काफी सारे फैंस होते हैं, इसीलिए वो बिली में बदल जाता है। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से शिवाना को पता चल जाता है और वो उसी तरफ आने लग जाता है। वो कहता है कि सूरमा तुम्हें जल्दी से बाहर आना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से कई सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। और फिर वो यहाँ पर तबाही मचाने लग जाता है। तो बिली कहता है कि मुझे उसके सामने जाना ही होगा, क्योंकि जो हीरो अपनी फैमिली को ना बचा सके वो हीरो किसी काम का नहीं। इसके बाद फिर सीधा शिवाना के पास में पहुंच जाता है और उसे अपनी पावर्स दिखाते हुए जमीन पर पटक देता है। तो शिवाना तुरंत ही अपने डीमंस को निकालना शुरू कर देता है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे बिली को धू डालता है। साथ ही साथ वो अपने बाकी के डीमंस को भी उन बच्चों के पीछे लगा देता है, जो कि उनको एक एक करके पकड़ने लग जाते हैं। बिली दोबारा से इस डीमन को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो तो खुद ही बिली को पकड़ के धू डालता है, जिसके बाद फिर वो असली बिली में बदल कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो गलती से पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ से शिवाना उसको बाहर नहीं निकलने देता। पानी के अंदर शज़ाम बोलने पर भी उसके शज़ाम वाली पावर्स
वापस नहीं आते और फिर तभी मैरी यहाँ पर शिवाना का ध्यान भटकाती है, जिससे कि मौका पाकर बिली दोबारा से शज़ाम बन जाता है। लेकिन शिवाना ने तो उसके सभी भाई बहनों को पकड़ा हुआ था, इसीलिए बिली कुछ भी नहीं कर सकता था और वो उसको पावर्स देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो डेमन उन बच्चों को खा जाते। और फिर बिली शिवाना के आगे झुक जाता है तो शिवाना उससे कहता है कि तुमने एकदम सही डिसीजन लिया। अभी बिली को जादूगर की कही हुई बात याद आ जाती है, तुम चाहो तो अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो, कि बाकी के सुरमाओं को भी लाना जरूरी है। जिसके बाद फिर बिली तुरंत ही शिवाना से उसकी छड़ी को छीन कर अपने भाई बहनों से कहता है कि इस छड़ी को पकड़ो और मेरा नाम बुलाओ। और जैसे ही वो लोग यहाँ पे शज़ाम बोलते हैं, उन सभी के पास में ही अलग अलग तरीके की पावर्स आ जाती है, वो लोग भी सुपर हीरो बन जाते हैं, जिससे की शिवाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और हमें डाला की पावर दिखाई जाती है की उसके पास में है स्पीड, और साथ ही बिली उस स्टिक को भी तोड़ देता है। इसके बाद फिर शिवाना उन डेमन्स को बाहर निकाल कर उनसे हमला कराने लग जाता है, और बिली का काम था कि उसको शिवाना की आंख को निकालना है, इसीलिए उन दोनों के बीच में चेसिंग शुरू हो जाती है। यूजीन के हाथों से काफी पावरफुल बिजली निकलती है और पेड्रो के पास में है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। इसके बाद अब हमें शिवाना को दिखाया जाता है जो कि बिली के पीछे लगा हुआ था। मैरी के पास में भी काफी गजब की पावर्स है। अभी शिवाना देखता है कि अब शज़ाम ने भागना बंद कर दिया है, इसीलिए अब उसको क्लाइमेक्स वाले विलन की धमकी देने लग जाता है, जिससे कि बिली का काफी ज्यादा मूड पक रहा था और वो उसको एक काफी पावरफुल पंच हिट कर देता है। तभी डाला एक ऊंचाई से गिरने वाली लड़की को बचा लेती है और पेड्रो गिरते हुए ऊंचे झूले को नीचे गिरने से बचा लेता है। और फिर फाइनली फ्रेडी भी किसी विलन के साथ में फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ शिवाना और बिली की फाइट चल रही थी, जहाँ पर अभी भी शिवाना बिली के ऊपर भारी पड़ता है। अभी फ्रेडी नीचे गिरते हुए अपने दो बदमाश क्लासमेट्स को भी बचाता है। बिली जब डॉक्टर शिवाना की आंख को नहीं निकाल पाता तो फिर भी एक प्लान बनाता है और उससे कहता है कि 7 डेडली सिंस में से 6 तो बाहर आकर लड़ रहे हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये 7वां एनवी कहाँ पर है, कहीं वो मेरी फैमिली से डर तो नहीं गया। और इस बात से भड़क जाने पर एनवी फाइनली डॉक्टर शिवाना की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिससे कि शिवाना एकदम पावर लेस हो जाता है और वो वहीं से नीचे लटक जाता है। बिली एनवी को धुआं धुआं करके शिवाना को पकड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही उसको यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर वो उसकी आंख से 7 डेडली सिंस वाली बॉल को निकालने लग जाता है, जिससे कि वो सभी के सभी विलेंस भी गायब होकर उसी बॉल के अंदर आने लग जाते हैं। फाइनली उस बॉल के निकल जाने पर उनकी पावर्स भी उसी बॉल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद फिर बिली के पास में उसके सभी भाई बहन आ जाते हैं और उन लोगों को यहाँ पे उस बॉल को लेकर बहुत ही अच्छा बेवकूफ बनाता है। शज़ाम और उसकी टीम के लिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाते हैं, जिसके बाद फिर बिली वापस से उस बॉल को उसी जगह पर रख देता है, जिससे कि 7 डेडली सिंस वापस से कैद हो जाते हैं। तभी फ्रेडी कहता है कि अब हम लोगों को हमारा खुफिया अड्डा भी मिल चुका है। और तभी न्यूज पर बताया जाता है कि दुनिया को उसके नए 6 सुपर हीरो मिल चुके हैं। बाद में बिली को उसकी फैमिली के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के साथ में खुशी खुशी रहने लगा है। इसके बाद में फ्रेडी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे उससे नफरत करते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला था। और वो जैसे ही एक जगह पे बैठ जाता है, उसके सभी भाई बहन यहीं पर आ जाते हैं और फिर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है शज़ाम की, और वो सभी लोगों को बताता है कि फ्रेडी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिससे कि अब सभी लोगों को फ्रेडी की बात पर भरोसा हो जाता है। साथ ही उसने वहाँ पर सुपरमैन को भी बुला लिया था। इस मूवी की मिड क्रेडिट सीन में हमें शिवाना को दिखाया जाता है, जो कि जेल में मौजूद उन्हीं सिंबल्स को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो वो उसके किसी भी काम के नहीं रहते। तभी वहाँ पर मौजूद एक कीड़ा शिवाना से कहता है कि तुम ये मत सोचो कि पावर्स पाने का केवल एक ही तरीका है, मैं तुम्हें काफी सारे तरीके बताऊंगा और फिर हम लोग इस दुनिया पर राज करेंगे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।